नमस्कार, नारायण गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा आप अपने शिशु के अंदर संस्कार कैसे डाल सकते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हर कोई चाहता है कि उनकी जो संतान है वो सुसंस्कारी, बुद्धिमान और स्वस्थ सुदृढ़ हो। इसीलिए हमने प्रेगनेंसी के दौरान भी गर्भ संस्कार की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है और हम आगे भी अपने बच्चे के जन्म के बाद उसे अलग अलग चीज़ तरीक़ों से सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरीके से आप अपने बच्चे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के थ्रू भी संस्कार डाल सकते हैं। जब आप अपनी संतान को फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीड करा रही है तब ईस्ट साइड में मुंह कर बैठना चाहिए। ईस्ट मतलब पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठिए और अपनी ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और राइट साइड की ब्रेस्ट से उसे फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीड करवाइए। ठीक है, जब आप फीड करा रही हैं तो बेबी का सिर थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए उसके पेट से या एब्डोमेन से ताकि बेबी को डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। जब आप फीड कर रही है तो आपको सबसे पहले गायत्री मंत्र या जिस किसी भगवान का आपको मूल मंत्र बोलना है वो मंत्र आपने बोलना चाहिए। उसके बाद में आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे बच्चे को इस दूध से सभी सकारात्मक शक्तियाँ प्रदान करें और उसे ओजस्वी, वर्चस्वी और तेजस्वी बनाए। मेरे स्तनों को हमेशा दूध से परिपूर्ण रखिए और मैं और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने संतान का पोषण इस अमृत जैसे दूध से अच्छे से कर पाऊँ। इस तरीके से आपको प्रे करना है और बेबी को फीड करना है। यही भाव आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करती है तब हर बार एवरी टाइम आपका मन प्रसन्न, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए। फीड करते वक्त प्लीज़ अटेंटिव रहिए। ऐसा नहीं कि इधर बेबी फीड कर रहा है और आप इधर मोबाइल देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या सो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ अटेंटिव रहिए, बेबी से बातें करिए, बेबी को मंत्र सुनाइए, बेबी को जिन गुण जो गुण आप आपके बेबी के अंदर चाहते हैं वैसे विचार अपने मन में लाइए। ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना है, अपने मन में ही बोलना है। जैसे जब मैं ब्रेस्ट फीड करती थी तब मैं ये सोचती थी कि मेरा बेबी हेल्दी रहे, मेरा बेबी शार्प बने, मेरा बेबी इंटेलिजेंट बने, उसमें इतनी शक्ति हो कि वो हर उतार चढ़ाव को पार कर सके। प्लीज़ ध्यान रखिए, कुछ कुछ लोग सब अच्छी चीज़ें ही बोलते हैं बट देन एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो आप अगर अच्छी चीज़ें मांग रहे हैं तो आपको ये भी बोलना है कि उसमें ताकत भी आए ताकि वो बुराई से लड़ भी सके। तो इस तरह के विचार आपको आपके मन में लाने हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि एक पेन, एक पेज पर कुछ 5-6 लाइंस के सेंटेंसेस लिख सकते हो और डेली जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तब आप सेम चीज़ें रिपीट करिए अपने मन में अपने लिए। तो क्या होगा कि बेबी को वही फीलिंग्स जाएंगी आपके ब्रेस्ट फीड के थ्रू। हर बार फीड करने से पहले जो मंत्र मैं अभी बोल रही हूँ वो मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र ऐसा है, ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। इस तरह से आपको मंत्र बोल के बेबी को फीड कराना चाहिए। जब भी आप उसे फीड कराते हैं तब ध्यान रखिए कि आप फ्रेश क्लीन जगह और एकांत में बैठे हो और आपका मन भी फ्रेश है, प्रसन्न है और आप जब उसे फीड करा रहे हो तब आपको बहुत खुशी मिल रही है। इस तरह से अगर आप आपका बिहेवियर रखेंगे तो ऑब्वियसली आपके बेबी के अंदर अच्छे गुण ऑटोमेटिकली जाएंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आपके बेबी को क्या क्या चीज़ें बोल रहे हो मेरे बताने के बाद से, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। विश यू अ वेरी हैप्पी मदरहुड अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।